दिल पर लगे घावों और चोटों को ठीक करने, यानी यदि किसी ने आपको धोखा दिया है, परिवार के लोगों ने आपकी भावनाओं से खेला है या किसी ने प्रेम संबंधों में आपको ठगा है, तो दिल में हुए उन दर्दों को दूर करने में रोज क्वार्ट्स मेडिटेशन मदद करती है। ध्यान से पहले रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल साफ और शुद्ध करना सुनिश्चित करें और ध्यान शुरू करते समय अपने हाथ में रोज क्वार्ट्स की बॉल रखें तो सर्वोत्तम काम करती है। यदि आप दाएं हाथ से काम करते हैं तो इसे बाएं हाथ में रखें और यदि बाएं हाथ से काम करते हैं तो इसे दाएं हाथ में रखें। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को ध्यान की क्रिया कराते हैं तो उसे भी शुद्ध किया हुआ रोज क्वार्ट्स का क्रिस्टल हाथ में रखना आवश्यक है। ध्यान से वापस आने के बाद भी इस क्रिस्टल को शुद्ध करके ही रखें, इस बात को याद रखें। यदि आपके पास रोज क्वार्ट्स नहीं है तो पन्ना या मैलेकाइट का उपयोग कर सकते हैं, जो हृदय चक्र से संबंध रखता है और हृदय को संतुलित करता है। पन्ना या मैलेकाइट का उपयोग भी रोज क्वार्ट्स की तरह ही करना है। सुबह के समय नहा धोकर धुले साफ और ढीले कपड़े पहने, चप्पल जूते उतारकर जमीन पर साफ दरी या चादर बिछाकर बैठे। जमीन पर ना बैठ पाने की मजबूरी में, यानी जिन्हें घुटनों में दर्द आदि है, वे लोग कुर्सी या सोफे पर बैठे, पूर्व दिशा की तरफ चेहरा हो, ये ध्यान दे। आइए मेरे साथ शुरू करते हुए ये ध्यान क्रिया करें। सबसे पहले आंखें बंद करें, कमर पीठ बिना जोर दिए सीधी रखें, दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ खुली उंगलियों के साथ घुटनों पर रखें। दिल दिमाग और मन को शांत करने के लिए नाक से 3 धीमी गहरी और लंबी सांसें लें। पहली सांस लेते हुए ये ध्यान दें कि आसमान, जमीन और आसपास की शुद्ध हवा आपकी लंबी सांस के साथ आपके क्राउन चक्र, आज्ञा चक्र और आपके विशुद्ध चक्र यानी थ्रोट चक्र में जाकर उन्हें शुद्ध बना रही है। कुछ देर सांस रोक कर रखें और अनुभव करें कि यह शुद्ध वायु वहां से सारी अशुद्धता इकट्ठी कर रही है। अब धीमी गहरी और लंबी सांस उसी रफ्तार से नाक से बाहर निकाले और कल्पना करें कि क्राउन चक्र, आज्ञा चक्र और थ्रोट चक्र में जमी हुई सारी अशुद्धियां सांस के साथ बाहर निकल रही हैं। अब दूसरी धीमी गहरी और लंबी सांस उसी तरह नाक से ले और सांस लेते समय कल्पना करें कि ये शुद्ध वायु सांस के साथ आपके हृदय चक्र और मणिपुर चक्र में फैलती जा रही है और इसने इन दोनों चक्रों को अपनी शांत स्वच्छ वायु से पूरी तरह ढक लिया है। कुछ देर तक सांस रोकें और अनुभव करें कि सांस द्वारा ली गई ये वायु आपके हृदय चक्र और मणिपुर चक्र में जमी हुई सारी दुखी भावनाओं और परेशान विचारों को अपने अंदर समेटती जा रही है। अब धीमी गहरी और लंबी सांस उसी रफ्तार से नाक से बाहर निकालें और अनुभव करें कि हृदय चक्र और मणिपुर चक्र में जमी हुई सारी अशुद्धियां, दुखी भावनाएं और परेशान विचार हमेशा के लिए सांस के साथ बाहर निकल रहे हैं। अब तीसरी धीमी गहरी और लंबी सांस भी उसी तरह नाक से ले और सांस लेते समय कल्पना करें कि ये शुद्ध वायु सांस के साथ आपके स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र में फैलती जा रही है और इसने इन दोनों चक्रों को अपनी शांत स्वच्छ वायु से पूरी तरह ढक लिया है। कुछ देर तक सांस रोकें और अनुभव करें कि सांस द्वारा ली गई ये वायु आपके स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र में जमी हुई सारी दुखी भावनाओं और परेशान विचारों को अपने अंदर समेटती जा रही है। अब धीमी गहरी और लंबी सांस
उसी रफ्तार से नाक से बाहर निकालें और अनुभव करें कि आपके स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र में जमी हुई सारी अशुद्धियां, दुखी भावनाएं और परेशान विचार हमेशा के लिए सांस के साथ बाहर निकल रहे हैं। अब आराम से सांस लेते रहें और शरीर को पूरा आराम दें। महसूस करें कि हर सांस आपके सिर से पैरों तक पूरे शरीर में फैलते हुए आपको शांत कर रही है, आपकी नसों में फैलती जा रही है, आपकी हड्डियों में जाकर उन्हें मजबूत और शुद्ध कर रही है। आप अपने आप को बहुत हल्का और शांत महसूस कर रहे हैं। अब आप इस शांत विश्राम में गहराई से जाते हुए महसूस कर रहे हैं और अपने आप को अपने शरीर से धीरे धीरे दूर जाने का, अलग होने का अनुभव कर रहे हैं। आप अपने शरीर को देख रहे हैं, अपनी चेतना के साथ सुरक्षित, हल्का और शांत महसूस कर रहे हैं। अब धीरे धीरे आप अपनी चेतना के साथ ऊपर उड़ से जा रहे हैं, और ऊपर और ऊपर, बादलों में, रंग बिरंगे बादलों में, बादलों के साथ उड़ते जा रहे हैं। घने बादलों के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आगे और आगे। जहां बादल आपको बहा रहे हैं वहां आप बहते जा रहे हैं, बिना डर के, बिना थकान के, सिर्फ खुशी के साथ, हल्केपन और शांति के अनुभव के साथ। बादल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और कम और कम और कम, और सामने अब बादल छंट कर पूरी तरह से साफ हो गए हैं, दूर चले गए हैं, और आप देखते हैं कि आपके सामने गुलाबी रंग की चमकती हुई एक विशाल गुलाबी रंग की गुफा है जो चट्टान जैसी दिखती है। उस गुफा के सामने एक गुलाबी रंग का विशाल दरवाजा है। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है। आप वहां दरवाजे के सामने खड़े हैं और वो आदमी दरवाजा खोलकर आपको अपने साथ गुफा के अंदर जाने का इशारा करता है। आप बहुत आनंद और उत्साह महसूस कर रहे हैं। वो आदमी आपको अंदर भेजकर पीछे खड़ा रहता है। जैसे जैसे आप उस गुफा के अंदर जाते हैं, आप देखते हैं कि पूरी गुफा गुलाबी रंग के चमकते हुए क्रिस्टल से बनी है। उनमें से बहुत प्यारी गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है। खुशबू आपके अंदर जाकर आपको शुद्ध और शांत कर रही है। बहुत धीमी आवाज में मधुर संगीत की आवाज आ रही है जो मन को शांत और शुद्ध करती जा रही है। वहां की हवा आपकी गुलाबी रंग की रोशनी से सारा वातावरण महका रही है और महका रही है। वो रोशनी आपके ऊपर झरने की तरह गिर रही है, गिरती जा रही है, आपको पूरी तरह अपनी रोशनी से ढक रही है, आपको अपनी रोशनी से नहला रही है। आपके शरीर के हर अंग को शुद्ध करते हुए अपने प्यार से भरी दिव्य रोशनी के झरने की तरह बहती हुई शक्ति से आपको तन, मन और भावना से पूरी तरह प्रेम, क्षमा और दयालुता के विचारों से परिपूर्ण कर रही है। आपके पुराने विचार, पुराने दुख और बदले की, गुस्से की सारी भावनाएं इस पवित्र गुलाबी रंग की रोशनी से धुलकर बह रही हैं, बहती जा रही हैं।
हमेशा के लिए आपके अंदर से निकलकर जमीन में समा रही हैं। आपके शरीर में एक नई शक्ति और एक नई भावना ने जन्म ले लिया है और आप अपनी पिछली यादों को भूलते जा रहे हैं, तेजी से भूलते जा रहे हैं। और अब आपको लगता है आप उन दुख भरी यादों को पूरी तरह से भूल गए हैं। आपकी सारी बेचैनी, सारी थकान और मानसिक परेशानी, भारीपन सब दूर हो गया है। आप इस नई ऊर्जा के द्वारा एक नई शुद्ध सांस, शक्ति, आनंद, प्रेम और करुणा से भरे हुए हैं। आपका हृदय हमेशा के लिए इस नई पवित्र, क्षमाशील, शांत ऊर्जा में लिपट गया है। कुछ क्षण इस पवित्र, प्रेम भरी, सुगंधित ऊर्जा का आनंद उठाएं। तभी आप देखते हैं आपको अंदर लाने वाला व्यक्ति आपके पास आता है, आपको खुश देखकर मुस्कुराता है और आपको अपने साथ आने का इशारा करता है। वो आपको उस गुफा के एक दरवाजे पर लाता है। दरवाजा खोलता है और अब आपको बाहर जाने का इशारा करता है। आप जैसे ही उस गुफा से बाहर आते हैं, आपको कुछ सीढ़ियां दिखाई देती हैं। आप उन्हें पार करके उतरते हैं और जैसे ही नीचे उतरते हैं, आप देखते हैं आप अपने घर के सामने खड़े हैं। आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि आप उसी स्थान पर हैं जहां आप ध्यान के लिए बैठे थे। अब आप महसूस करते हैं कि आपका दिल पिछले हर दुख, दर्द, ग्लानी, क्रोध और परेशानी को पूरी तरह भूलकर शांत और शुद्ध हो गया है। अपनी दोनों हथेलियों को थोड़ा रगड़ें और अपने चेहरे और आंखों पर रखें ताकि ध्यान की इस विधि से जो लाभ मिला है वो आपके अंदर स्थिर हो जाए। यात्रा की थकान मिटाने के लिए एक गिलास पानी पिए और सामान्य हो जाएं।